आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज माय होम। यहाँ पे इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा इन राइटर के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि राइटर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या है ना कि यहाँ पे राइटर कौन हो जाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर, उसका वीडियो पहले ही अपलोड किया गया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो ऐसे वीडियोज आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसके राइटर हो जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये नाम जो है आपको प्रॉपर याद रखनी है, क्योंकि देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि भारत इज माई होम को किसने लिखा है, हु रॉट भारत इज माई होम, तो ऐसे आपको वहाँ पे आंसर लिखना होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। वहीं पे देखिए इनका जन्म हुआ है 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। कहाँ जन्म हुआ है, हैदराबाद में, ये भी आपको याद रखनी है। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। वहीं इनका निधन हुआ है 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। डाइट कब किए हैं, 3 मई 1969 को दिल्ली में। तो ये दो डेट आपको प्रॉपर याद रखनी है, और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पॉइंट है वो देख लेंगे, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी आसान भाषा में आपको बताएंगे, हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोला गया है, जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्या बोला गया है, जाकिर हुसैन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, और एक राजनीतिज्ञ भी थे, यानी पॉलिटिशियन भी थे, जिन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। अब चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा मेन आज का ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में आपको ये बता दें कि अगर आपको समरी का वीडियो देखना है प्रॉपर चैप्टर वाइज, तो आप प्रॉपर एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन बाबा ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का जो है समरी मिल जाएगा, बस आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे बस अब स्टार्ट करते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर एक का यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1967 सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, क्या बोला गया है इसमें, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड का हो जाएगा, क्या चीज़, यहाँ पे एजुकेशन सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो है ना, ये राष्ट्र के उद्देश्य का जो है एक प्रमुख साधन है, यही जो है एक ऐसा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है जिस पे चल के जो है देश विकसित कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो ये चीज़ बोले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग जैसा कि फर्स्ट वीडियो में ऐसे आप लोग बोले थे कि चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ अपलोड हो रहा है। और ख़ास करके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला जो कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, और आपको कोई और अदर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, वो वीडियो जो है जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे। वो यहाँ पे तीन, यहाँ पे जो है टोटल थर्ड क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया हुआ है, और वो महान क्या थे, तो नेशनलिस्ट थे, वो जो है एक राष्ट्रवादी थे, एक महान राष्ट्रवादी थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। चार नंबर क्वेश्चन में अब यहाँ पे बोला जा रहा है, भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाय, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो कहीं कहीं आपको आंसर में मिल सकता है डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, ऐसा भी पूरा नाम इनका लिखा हो सकता है। तो भारत इज माय होम को कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कोशिश करिए सभी क्वेश्चन को जो है साथ में याद करते हुए चले, ताकि जो है आपको अभी यहाँ पर याद हो जाएगा, एक बार आप रिविज़न हो जाएगा तो फिर क्या है ना कि आप अगर दोबारा इस वीडियो को कभी देखोगे तो आपको प्रॉपर सारा चीज़ याद ही हो जाएगा, मतलब एग्जाम में जब आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए जितना हो सके याद करने की कोशिश करिए। फाइव नंबर क्वेश्चन में है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये चीज देखिए। फाइव नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है? किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यानी भारत यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन और इसमें बोला जा रहा है डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे छः का जो है सही आंसर क्या हो जाएगी? जाकिर हुसैन का रोल मॉडल यानी प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के कौन थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है और इसमें से सही आंसर हो जाएगी क्या चीज़? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी, डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये इनके रोल मॉडल थे कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, मतलब प्रेरणा स्रोत कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। देखिए अब सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सेवन नंबर में जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ चार ऑप्शन है, राइट आंसर सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। और आप एक और चीज़ गौर कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हम आपको बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो कब बने थे? तो वहाँ आपको बताए थे 1967 में, तो ये इनका जो है प्रेसिडेंट ये बने थे और अगले दो साल में जो है इनका निधन हो गया था। ये चीज़ भी यहाँ पे गौर करिए, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन अगर रिलेट करके याद करते हैं तो आपको काफ़ी याद रहेगा। यहाँ पे सेवन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। देखिए क्या है एट नौ क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ, मतलब यहाँ पे एट में क्या बोला जा रहा है, जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के लिए आभारी थे, आभार व्यक्त किए थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया के लोगों का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। उन्हें हाईएस्ट पद मिला था, एक प्रेसिडेंट का पद मिला था उनको, तो इसलिए यहाँ पे आगे क्या है ना देख लेते हैं नाइन और क्वेश्चन में, और यहाँ पे नाइन में क्या बोला जा रहा है, हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नाइन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या सर, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ कौन लिए थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेगानोया और एच ई वेट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए यहाँ पे दस नवा क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें बोला जा रहा है हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे दस में, इसमें पूछा जा रहा है अतीत मृत्यु और स्टैटिक नहीं है, यह जीवंत और गतिशील है, यह हमेशा चलते रहता है। तो ये क्या कौन बोले थे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बात बोले थे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1897 में इनका जो है जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको कब बताए थे, ऊपर में ही यहाँ पे बताए थे, चलिए एक बार और इस चीज़ को देख लीजिए ताकि आपको याद रहे सारा चीज़। तो इनका जन्म हुआ था 1897 में, आपको पहले ही बताए थे हैदराबाद में, वही इनका निधन जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो है यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो गई ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गई। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है हु इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़ 12 में, इसमें पूछा जा रहा है कौन पूरी मानवता और संपूर्ण समर्पण की भावना से कार्यालय में जो है प्रवेश किया, कौन जो है
संपूर्ण मानवता, मतलब पूरा मानवता और संपूर्ण समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश किए कि अब अच्छा कुछ करना है। तो कौन ऐसा प्रवेश किए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब वो राष्ट्रपति बने थे। और चलिए आगे देखते हैं क्या है 13वां क्वेश्चन में, और इसमें पूछा जा रहा है क्या चीज़। भारत इज माई होम हैज़ बिन रिटन बाय, भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक एजुकेशन बाबा ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं ना, तो पहले कर लीजिए। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी अपलोड है, आप चेक करिएगा, और बहुत सारे पेड भी है, तो वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप जाके परचेस कर सकते हैं। आपको कभी भी वहाँ पे नुकसान नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ों को बताया गया है। आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई जाएगी, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक चीज़ को अच्छे से वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन हब ऐप आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 14वां क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है क्या चीज़। हु सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है हु सेड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, मतलब 14 में पूछा जा रहा है किसने कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार। किसने कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार? चार ऑप्शन है यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। क्या बोले थे? कि भारत मेरा घर है और यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो हमारे परिवार हैं। और क्या है 15वां क्वेश्चन में, और इसमें बोला जा रहा है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए सबसे पहले इसके बारे में समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क्स इसको लगा सकते हैं। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? तो एजुकेशन है, शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था है जिस पे चल के जो है भारत विकसित कर सकता है और ये राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, इसका निर्माण सही तरीके से हो सकता है। और ये बात बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो औथ कर रहे थे, मतलब शपथ ले रहे थे अपने राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तभी जाके आगे जो है वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा और साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एजुकेशन ऐप अगर आप डाउनलोड करने नहीं किए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।